अब मैं अब कस्बा के बाद मैं बीच पर आ चुका हूँ। ये रबात बीच है, बहुत ही सुंदर है और यहाँ का पानी बहुत खाम है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि उधर आप देख सकते हैं, तो सर्फिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कयाकिंग कर रहे हैं लोग। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसी शॉप्स हैं यहाँ पर जो कि सर्फिंग की किट और जो सर्फ होती हैं वो सेल कर रहे हैं, रेंट आउट आप कर सकते हैं। यहाँ से लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ माहौल बना हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि आज काफ़ी सनी डे है, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा है अगर पानी में किसी को घुसना हो तो। और इस वजह से बीच पर काफ़ी भीड़ है। तो ये छोटा सा बीच है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और आप देख सकते हैं पानी का फ्लो भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, टाइड बहुत ही लिमिटेड है, तो जिसकी वजह से काफ़ी सेफ है यहाँ पर स्विमिंग करना या कयाकिंग करना। और सर्फिंग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं आप देख सकते हैं इधर। और ये इधर ये लाइन से यहाँ पर ये शॉप्स बनी हुई हैं जो कि आपको किट दे सकती हैं सर्फिंग करने के लिए, कयाकिंग करने के लिए, और सर्फिंग के लेसन्स भी दे रहे हैं ये लोग। ये पॉइंट है जिसका नाम है ओशन व्यू। यहाँ पर यहाँ से लैंड ख़त्म हो जा रही है और ये सामने देखिए पूरा कस्बा दिख रहा है। कस्बा एक्चुअली में पहले क्या था, ये ऐसे वॉल्ड सिटी होती थी, तो ये सामने कस्बा है। और ये जैसा कि मैंने दिखाया था पहले भी, देखिए बीच है यहाँ पर, लोग ये ऐसे सर्फिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और ये पॉइंट है यहाँ से ओशन व्यू पॉइंट, यहाँ से लैंड ख़त्म हो गई है और सामने यहाँ से ओशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये चारों तरफ का एरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जब रबात बीच के बाद मैं एंडलुसियन गार्डन की तरफ जा रहा हूँ और गार्डन में जाने का रास्ता ये उदयास कस्बा के थ्रू ही है, तो मैं फिर से उदयास कस्बा में आ चुका हूँ। और मैंने भी रियलाइज़ किया कि जब उदयास कस्बा में घूम रहा था तो ये पार्ट मैंने मिस कर दिया था, तो ये अच्छी बात है कि ये भी देखने को मिल जा रहा है। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको उदयास कस्बा दिखाया था कि ये बहुत ही सुंदर कस्बा है, बहुत ही कलरफुल तरीके से इसको लोगों ने रखा हुआ है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो जो यहाँ की स्ट्रीट है इस पर वॉक करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जैसा कि ये आप सामने देख सकते हैं, ऐसी यहाँ पर छोटे छोटे मल्टीपल स्ट्रीट्स हैं, गेट्स वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट तरीके की नक्काशी है। और मैंने पढ़ा था कि ये इस कस्बे के अंदर एक म्यूजियम भी है, हालांकि मुझे म्यूजियम दिखा नहीं, शायद हो सकता है क्लोज होगा।
गार्डन के अंदर हूँ जिसका नाम है एंडलुसियन गार्डन्स। बहुत ही सुंदर है, हालांकि इसके अंदर ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो देखता हूँ छोटी एक दो क्लिप बनाता हूँ मैं। ये जो एंडलुसियन गार्डन है ये 1915 से 1918 के बीच में बना था, तो इसको 3 ईयर्स लगे थे बनने में। और जिस टाइम ये बना था उस टाइम मोरक्को में एक्चुअली फ्रेंच कॉलोनीज थी, तो यहाँ मोरक्को में फ्रेंच कॉलोनी 1912 से 1956 तक थी। और ये जो गार्डन है ये गार्डन एक्चुअली एंडलुसियन स्टाइल ऑफ गार्डनिंग और मूरिश इन्फ्लुएंस का परफेक्ट मिक्सचर है। इसमें बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं, जैसे यहाँ पर बोगेनविलिया काफ़ी है, हिबिस्कस है, यहाँ पर ऑरेंज के ट्रीज हैं, लेमन है, पाम ट्रीज हैं। और ये केवल इसी गार्डन में नहीं, मैंने पढ़ा था कि मोरक्को के डिफरेंट सिटीज़ में ऐसे गार्डन बने हुए हैं जिनको एंडलुसियन स्टाइल के गार्डन बोलते हैं। और इन सब का मोर ऑर लेस जो अंदर से स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, जैसे कि हर एंडलुसियन गार्डन के अंदर आपको फाउंटेन देखने को मिलेगा, यहाँ काफ़ी इंट्रिकेट टाइल वर्क होता है, कार्व्ड वुडन बेंचेज हैं लोगों के बैठने के लिए, और जो अंदर से स्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी सिमेट्रिकल होता है। और जो एंडलुसिया है वो एक्चुअली सदर्न स्पेन का एक रीजन है, तो ये स्टाइल ऑफ गार्डनिंग वहाँ पर बहुत फेमस थी उस टाइम पर, तो उसको जब फ्रेंच यहाँ पर थे तो उन्होंने इसको कॉपी किया था। तो यहाँ मोरक्को में ऐसे काफ़ी सिटीज़ हैं जहाँ पर इस स्टाइल के गार्डन बने हुए हैं, तो जैसे कि मैं अभी आगे के शहर तांजेर, फेज या माराकेश मैं जाऊँगा तो मैं वहाँ भी आप लोगों को दिखाऊँगा। तो ये काफ़ी फेमस स्टाइल ऑफ गार्डनिंग है यहाँ पर। तो गैज अभी गार्डन के बाद मैं यहाँ रबात का जो मदीना है ओल्ड मदीना मैं वहाँ पा चुका हूँ, और ओल्ड मदीना भी वैसा ही है जैसा कि उदयास का कस्बा था वैसा ही है। यहाँ पर नेहरू स्ट्रीट्स हैं और बहुत सारी यहाँ पर शॉप्स हैं और स्ट्रीट वेंडर्स हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज रबाब में दूसरा दिन है और अभी हो रहे हैं सुबह के 9:15। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ फरवरी का मंथ है, तो विंटर ऑल्दो अभी फुल फ्लेज नहीं है लेकिन यहाँ पर वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए अगर आप जनवरी या फरवरी में यहाँ का प्लान करते हैं मोरक्को का तो आप गर्म कपड़े अपने साथ ले कर आएँ, लेयर्ड क्लोथ, इनर स्वेटर, जैकेट्स, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। और आज एक से मौसम बहुत ठंडा हो गया, बहुत फॉगी हो गया है, सुबह से कोई धूप नहीं है। तो आज यहाँ पर एक बहुत ही फेमस गार्डन है, मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ। यहाँ का पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है मोरक्को का तो काफ़ी अच्छा है, अभी तक मैंने कासाब्लांका देखा है और ये रबात दूसरी सिटी है, पर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर बसेज काफ़ी अच्छी हैं एंड यहाँ पर ट्रेन भी है जो कि काफ़ी टाइमली रन करती है। तो मैं अभी इस गार्डन जा रहा हूँ, मैं यहाँ से ट्रैम और बस लूँगा, यहाँ से 19 किलोमीटर सिटी सेंटर से थोड़ा दूर है बट बहुत ही फेमस ये गार्डन है, तो घूमने का प्लान है। बाकी जैसा मैंने बताया था कि यहाँ की रोड काफ़ी ज़्यादा क्लीन है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पर पार्किंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से की हुई है गाड़ियों की, काफ़ी हद तक यूरोप की फीलिंग आएगी आपको यहाँ पर। जैसा कि इजिप्ट में हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी मॉस्क थे, बहुत सारे मिनारेट्स थे वहाँ पर सिटी में, वैसे यहाँ पर भी है, आपको ऑलमोस्ट हर स्ट्रीट में, हर मेजर स्ट्रीट पर आपको एक मॉस्क और मिनारेट दिखेगी। तो यहाँ से लगभग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से
जो गार्डन बताया मैंने वहाँ जाने में लगभग 1 घंटे लगेगा, तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है यहाँ पर। तो ये है यहाँ की सुबह और आप देख सकते हैं ये काफ़ी इसमें फॉग है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों आज रबात का 2nd डे है, कल यहाँ से मैं तांजर के लिए निकलूँगा और यहाँ पर सुपर फास्ट ट्रेन है, तो कल यहाँ से तांजर के लिए 7:50 पर ट्रेन है मॉर्निंग में, और ये सुपर फास्ट ट्रेन है इस लाइन की, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.25 घंटा लेगी तांजर पहुँचाने में। तो आज रबात में आखिरी दिन है और जैसा बताया मैंने कि यहाँ पर अभी मैं गार्डन देखने जा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर रॉयल पैलेस है, उसमें आप अंदर नहीं जा सकते हैं, एंट्री अलाउड नहीं है वैसे टूरिस्ट के लिए, तो उसको बाहर से देखेंगे। उसका जो एक्सटीरियर है वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ग्रैंड है, तो उसको बाहर से देखते हैं लोग। उसके बाद 2-3 और प्लेसेस हैं आज, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम बचता है, तो उसको कंप्लीट करने का प्लान है। तो आज अभी चलते हैं, अभी मुझे ट्रैम पकड़ना है, ट्रैम स्टेशन यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट की वॉक पर है, तो अभी मैं ट्रैम पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो गाइस मैं अभी यहाँ ट्रैम स्टेशन पा चुका हूँ और यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी स्टेशन से कहीं भी जाएँ तो 6 दिरहम का फ्लैट टिकट है, तो वो टिकट आप ले सकते हैं। और जो बसेज हैं एटलीस्ट जो कासाब्लांका और रबात में देखा मैंने कि 5 दिरहम का फ्लैट टिकट है, आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं कितने भी स्टेशन। और मेरे पीछे देखिए ट्रेन की लाइन है और ये टिकट काउंटर है पीछे ट्रैम का, यहाँ से ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर ट्रैम काफ़ी अच्छे से मैनेज है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है और बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा रहा है कब टाइमिंग है, क्या रूट है, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो अगर आप कासाब्लांका और रबात में आते हैं तो मुझे लगता है कि बस और ट्रैम बहुत ही अच्छे ऑप्शन है और एक यूनिक एक्सपीरियंस भी है ट्रैम का, तो खास करके इंडिया में तो मैंने कोलकाता में देखा है ट्रैम और वो भी थोड़ी पुरानी हो गई है, यहाँ पर काफ़ी मॉडर्न टाइप की ट्रैम है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरी ट्रैम जिस रूट पर जाना था मुझे वो थोड़ी देर पहले निकल गई, तो दूसरी ट्रैम का मैं वेट कर रहा हूँ। और ये देखिए दूसरे रूट की ट्रैम अभी जस्ट आई है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, आई थिंक 8 या 9 मिनट्स का यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, फिर ट्रैम आएगी तो मैं आगे जाता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर बंद करता हूं और मैं अभी जा रहा हूं गार्डन बुकनाडेल जो कि रबात में सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर है, और अगली वीडियो में मैं आपको बुकनाडेल गार्डन और रबात पैलेस ये दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। और अगर मेरे पास टाइम बचा और मैं रबात की कुछ और जगहें घूम पाया तो मैं आप सबको वो भी दिखाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।